नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, एक कल दैनिक भास्कर की एक पेपर में पोस्ट आई थी कि सितंबर की बारिश से सोयाबीन का दाना बोल्ड, पिछले साल एक बीघा से 4 क्विंटल उपज हुई थी, इस बार 12 क्विंटल तक उपज होगी। तो हमने इसी विषय पर दैनिक भास्कर का जो कार्यालय है, हेड ऑफिस है, वहाँ पर भी कॉल किया, वहाँ से जो विदिशा का नंबर है वह मिला और वहाँ पर हमने कॉल करके किया तो उन्होंने क्या बात विचार हुई हमारी उनके साथ, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे रखी है कि क्या वाकई में एक बीघा से 12 क्विंटल तक सोयाबीन निकल सकता है, कौन सी वैरायटी का है, और वह सभी जानकारी ली जिसमें कि कुछ गलतियां सामने आई हैं और उन्होंने क्या कहा है वह पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुने, और आपको वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप फेसबुक पर शेयर भी करें जिससे कि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक जानकारी के मुद्दों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी वीडियो जानकारी डालेंगे सबसे पहले वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, कुछ गलतियां मानवीय गलतियां मानी जाती हैं जो कि दैनिक भास्कर ने भी इसे माना है, पर इसका किसान भाइयों को काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, क्योंकि अगर ऐसा आंकड़ा पेश करते हैं जो कि एक विश्वसनीय पत्रकार या पेपर है, अखबार है, वह ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं तो फसल बीमा जो आगामी दिनों में आ सकता है या जो सर्वे होता है या भावांतर भुगतान योजना जैसी या किसानों की आय से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं वह परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए ऐसे आंकड़ों के ऊपर हमने जो है दैनिक भास्कर को कॉल किया तो उनसे हमारी क्या बात विचार हुई, आप पूरी जानकारी आगे सुनिए। हेलो हेलो, नमस्कार सर, नरेंद्र पोरवाल बोल रहा हूँ देश किसान हमारे किसान यूट्यूब से। आप विदिशा से बोल रहे हो क्या सर? हाँ बोल रहे हैं। हाँ, दैनिक भास्कर। हाँ जी, दैनिक भास्कर। अरे सर, ये कल एक पोस्ट आई थी विदिशा की कि सितंबर में बारिश की सोयाबीन का दाना बोल्ड, पिछले एक बीघा में 4 क्विंटल हुई थी और इस बार 12 क्विंटल हुई थी, तो कौन सी वैरायटी का बीज है, कौन सी वैरायटी की बात हो रही है? नहीं नहीं, ये तो आप भी समझ रहे होंगे जी, मानवीय त्रुटि आपने एक सुनी होगी कहीं, सुनी है क्या मानवीय त्रुटि शब्द आपने सुना होगा? मानवीय त्रुटि, जी 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 सर, जी मानवीय त्रुटि, जी जी। तो बीघा हेक्टेयर की जगह बीघा लिखा गया, आप समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, मतलब ये बीघा की जगह हेक्टेयर मान सकते हैं, इसको आप हेक्टेयर मान सकते हैं। जी जी सर, तो इसमें दैनिक भास्कर ने फिर कोई सुधार किया है, क्योंकि कल यह सब दूर पोस्ट चली गई थी, मध्य प्रदेश में बड़े अधिकारी हैं जो कृषि मंत्री उनके पास भी गई होगी, तो आगे किसान भाइयों को फसल बीमा और इसमें नुकसान हो सकता है सर, तो इसके बारे में दैनिक भास्कर ने क्या कदम उठाया आज फिर? किसके बारे में? जी, जैसे त्रुटि होती है तो उसमें सुधार किया जाता है। आज खबर लगी है, जी जी, बोलते हैं अपना धान और उसको लेके उसमें है ना, करेक्ट वो सब लिखा हुआ है, वो आप कृषि मंत्री जी को भेज देना। जी 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 सर, तो मतलब इसमें हम कोई ये नहीं कर रहे कि मानवीय त्रुटि सबसे होती है, आप भी मानव हो जाती है, पर इसका सुधार करके आज अगर आपने वापिस से पेपर में दिया हो कि कल दैनिक भास्कर से ये गलती हो गई थी प्रति बीघा की, नहीं 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 नहीं, ऐसा क्या होता है कभी आपको, ऐसा नहीं, उसमें जो है आज करेक्ट क्या धान का उत्पादन होगा, क्या सोयाबीन का उत्पादन होगा, आज उसकी खबर लगी है ना, वो मानवीय त्रुटि हर जगह होती है, जैसे बोलने में भी हो जाती है मानवीय भूल, राहुल गांधी जैसे बोल रहे हैं तो वो आटे को लीटर में पैरामीटर से ना पैमाना बना लिया, मानवीय त्रुटि होती है शिवराज जी, या बड़े बड़े लोगों से हो जाती है, फिर तो यार अब यहाँ पे एक छोटे से शहर में हम मान रहे हैं कि वो गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हम उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, पर उसमें सुधार किया जा सकता है सर, जैसे आप अगर जैसे कल किया जो पेपर आएगी उसमें डाल सकते हो। लगा दिए सर, क्या है कि किसान भाइयों को आगे इसका बहुत बड़ा खामियाजा, आप भी समझते हो उसका कि नुकसान हो सकता है, तो भाई 12 क्विंटल प्रति बीघा में हो रही है तो कितना किसान अमीर हो जाएगा फिर? जी जी नहीं नहीं नहीं, ये भविष्यवाणी है, ये नहीं लिखा हो गई है। जी 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 हाँ, वो भविष्यवाणी है, अनुमान के आजकल सर सब अनुमान पे ही चलता है सर, नेट भी अनुमान के हिसाब से पानी बताता है और मार्केट भी अनुमान। आप जो कैलकुलेशन बता रहे हैं वो आप कह रहे हो हमने लिख दिया कि हो गया है। जी 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 जी, अनुमान है, अनुमान है, वही तो नहीं, ऐसा अनुमान से क्या सर, अनुमान भी
मानवीय त्रुटि के साथ अनुमान है। जी है जी जी मान गए। अनुमान तो सर 50-50 हम मान सकते हैं, उसमें 50 की गुंजाइश रहती है। पर ये क्या है कि लिखा गया है ना, तो उसके हिसाब से आगे आंकड़े वो बदल सकते हैं कि जैसे अगर बीमा कोई आता है तो कि 12 क्विंटल प्रति बीघा हो रहा है। बीमा बीमा आप 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 अगर किसान है, मैं तो किसान हूँ साहब। जी जी मेरी किसान के बेटा हूँ, सोयाबीन के खेत में घड़ा घड़ा बात कर रहा हूँ सर। और अरे सुनो तो सही आप, जी जी जैसे अखबार में कोई चीज लगती है आप समझना, जी बीमा होता है, सर्वे होता है, नुकसान का सर्वे होता है, जी जी उस हिसाब से बीमा मिलता है, ना कि कोई लाइन हमने लिख दी कि क्रॉप कटिंग की जो आप एक एक छोटा एक छोटा कोई अखबार होता सर ना, तो उस पर ध्यान नहीं जाता। दैनिक भास्कर इस पूरे हम चौथा हिस्सा मानते हैं ना, उसकी नाक मानते हैं दैनिक भास्कर को। आप जी जी आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, पर एक मानवीय त्रुटि आपसे मैंने बोला, अब उसको अपन कितना भी खींच दें वो त्रुटी रहेगी। आपने सबसे बड़ी बात है कि आपने अपनी गलती मानी और उसमें सुधार करने का प्रयास किया, ये सबसे बड़ी बात है। और अगले दिन क्या है कि साहब ये अखबार आप सभी लोगों से ही बना हुआ है, नंबर वन ऐसे ही थोड़ी 10 घर में से 8 घर में जा रहा है। जी जी भाई, अगर अगर होता रेगुलर होता रहता या कुछ होता तो कौन अखबार को पढ़ता। जी जी सर, हम उसकी गुणवत्ता उसकी जी जी सर जी सर हम यही अपेक्षा रखते हैं कि जो भ्रम फैला हुआ है, जो आंकड़ा ऐसा आया है, उसमें वापिस से ऐसा हो जाना चाहिए। तो आपने अगली पोस्ट में डाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है सर, इसमें सुधार किया है। तो क्योंकि अपनी अपनी गलती अपनों को ही बताई जाती है और दैनिक भास्कर को हम अपना बिल्कुल जी जी सर बिल्कुल डेफिनेटली। और आपका फोन आया, बहुत अच्छा लगा साहब, कम से कम अखबार का इतना विस्तार प्रचार है, हमें इतने सारे फोन आ रहे हैं, जी जी इस बात की खुशी होती है। जी सर, है ना? जी सर जी सर, तो मतलब इसे हेक्टेयर माना जाए, हेक्टेयर में है ना, हेक्टेयर का आंकड़ा एक जारी करने की कोशिश की थी दैनिक भास्कर ने। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आके भी यही अपेक्षा रखते हैं कि आप किसानों के हित के बारे में सोचते रहेंगे। धन्यवाद सर। जरूर, अरे किसान हम खुद ही हैं साहब, किसान तो किसानों के हित में तो सवाल ही नहीं है, सोचना ही पड़ेगा ना। जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद आपका। किसान साथियों, यह था पूरा मामला और यह थी पूरी बातचीत। आपको कैसी लगी हमारी जानकारी वह कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने जानकारी को पूरा सुना है, पूरा देखा है, तो आप जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। अगर फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव इस जानकारी के बारे में या अन्य जानकारियों के बारे में या मंडी भाव से संबंधित हो, तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। और आप चैनल पर जाकर हमारे खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, चाहे प्याज लहसुन की खेती हो, सोयाबीन की खेती हो, और सभी किसानों से जुड़े मुद्दों पर चैनल के पर वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि सभी जानकारी आप तक जल्दी से जल्दी बिना देरी के पहुंच जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, समय दिया, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।